सीडी की वैल्यू ए स्क्वायर ऑफ आर की पावर 5, ये आएगा आपके पास। ये वाला समझ आ गया, बट अगर हम दूसरा करेंगे तो उसमें आ जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी आ जाएगी, सी स्क्वायर की बी डी, ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी उसके? ए स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा बेटे। क्या रहेगा? ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा बेटे। तो हम फिर कैसे डालेंगे ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी? तो उससे तो कुछ सॉल्यूशन ही निकलेगा। क्या कह रही है बेटे, समझ नहीं आया बेटे मुझे, दोबारा बता। जीपी में जो हमारा रेशियो होता है दो टर्म्स के बीच में, वो कांस्टेंट रहता है ना? हाँ बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि सपोज बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी आ जाएगा, तो हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी आ जाएगी। बिल्कुल आ गई। उसी तरीके से सी स्क्वायर की वैल्यू भी बी डी आ जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? कुछ भी नहीं, तुम गली गली गलत रही है। एक वेरिएबल को चेंज करके दूसरा वेरिएबल बनाते हैं मैडम लोग, या वेरिएबल बी सी डी सेम में आएंगे। अब मैंने कोशिश किया सारा वेरिएबल ए और आर के टर्म्स में लाने के लिए, ताकि मेरा काम बन जाए। ओके सर। अब मेरे पास ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा बताओ? मैं नहीं मान रहा ये इक्वल है, मैंने तो फिर से बोल दिया ये लेफ्ट हैंड साइड अलग राइट हैंड साइड अलग। 1 ए स्क्वायर मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर की पावर 4। सो ए स्क्वायर ए 4 ऑफ आर स्क्वायर, 1 प्लस में आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, एक फैक्टर या दूसरा फैक्टर का स्क्वायर, ये आ गया बेटा आपके पास। सही है। अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं बेटे हम लोग, यहां से कुछ कॉमन आएगा ए स्क्वायर बाहर आर बाहर, अंदर क्या आएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस में कितना आएगा बोलो फटाफट से, आर का बेटे कितना आएगा? ये 4 का बेटे क्या आएगा? ये स्क्वायर। सो द आंसर इज ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना? ए की पावर 4 आर स्क्वायर। 1 प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर की पावर 4 का बेटे क्या आया अपने पास? स्क्वायर। देखना सेम आंसर आ रहा है क्या? देख बे चिपक के अग्रिमा, देख ध्यान से, देख नजर चिपका के बता, सेम आ रहा है क्या? हां जी। अरे अक्षरा। यस सर। सेम आया बेटे? हां जी सर, सेम आ रहा है। वेरी गुड अक्षरा, तेरा बेटे नेम ये नाटक से देख के इंस्पायर किया गया, नाटक में तेरा नाम इंस्पायर किया गया बेटे? सर नाटक में, मैं पहले हां वो बात समझ गया बेटे मैं। एग्जैक्टली बेटे, सही है सही है, क्या बात है। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो एक और करने के लिए। अब तो समझ आ गया ना क्वेश्चन, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया क्या सर? दो मिनट रुक जाओ। हाँ तो 5-6 मिनट ले ले, 2 मिनट से क्या होता है। शौर्य है क्लास में? शौर्य बंसल साहब है क्लास में? यस सर, नोट कर रहा हूँ। नोट कर ले, शाबाश, फटाफट से कहे और फटाफट से। ये ऑनलाइन वाले बच्चों की खबर लेनी पड़ेगी बेटे, छुट्टी मारते हैं बेटे। कौन कौन नहीं है बेटे आज? सर्कल रात को हो गई थी ना सर। है बेटे? सर्कल रात को हो गई थी, और कभी कभार सर स्कूल की क्लास में ये ना 2 बजे तक चल जाती है, तो इसलिए नहीं ले पाता। ऐसा है बेटे को। कोई बात नहीं बेटे, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटे। इफ ए बी सी डी, फिर से आर इन जीपी, फिर से साहब ये जीपी में है, प्रूव दैट ए एन प्लस बी एन, बी एन प्लस सी एन, सी एन प्लस डी एन आर ऑल्सो इन जीपी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोबारा बता अक्षरा, ये रिश्ता कैसे दोबारा जीपी कहलाएगा बता बेटे, क्या करूं अब सर? वैसे ही होगा ना? कैसे बता बेटे? सर ये वो ले लेंगे, पहले ए ले लेंगे फिर। बिल्कुल सही बेटे, सेम चीज है वो, ए ये ए आर, ये ए आर स्क्वायर, ये ए आर क्यूब, बट कहानी बदलेगी थोड़ी सी यहाँ पर। कैसे? अगर ये तीनों जीपी में है अक्षरा, तो इनका रेशो आपस में कैसा होना चाहिए? इक्वल। तो मैं इसको लिख दूं ना यहाँ पर, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर सॉरी ए की पावर एन। हाँ ये प्रूफ करना हो गया ना मुझे अब, अगर ये जीपी में है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना बेटे? अब ये लिख रहे हो कि ये इक्वल होने चाहिए, प्रूफ करना। हाँ हाँ हाँ
मैं ये कह रहा हूं अगर ये जीपी में है तो इनको इक्वल होना ही पड़ेगा, सही है गलत है? यस सर सही है, होना पड़ेगा ना इनको इक्वल, बढ़ेगा नहीं होना पड़ेगा? चलो बताना बेटे बी आपके पास क्या बेटे, बी ए आर की पावर बेटे एन, सी क्या बेटे, सी बोलो ए आर स्क्वायर रेस टू बार कितना इक्वल बेटे एन। सर पहले हम प्रूफ करेंगे उसके बाद तो इसे इक्वल रख सकते हैं। पहले हम प्रूफ करेंगे मतलब यार हम ऐसे डायरेक्ट इक्वल कैसे रख सकते हैं, हम तो माने ना अगर इक्वल है पहले ये कंक्लूजन तो लाओ कि ये जीपी में है तब इक्वल रखेंगे ना। मैं प्रूफ कर रहा हूँ बेटे अभी, कहाँ प्रूफ क्यों मैं इक्वल है ये? आप तो लेके ही चल रहे हो। कहाँ लेके चल रहा हूँ? ये देखो हमने लिखा साफ साफ ये LHS RHS की इक्वल है। साथ में क्या लिखा है? देखो ले लिया सीधा फर्स्ट स्टेप सर, उसके आगे टू भी लिखो तब समझ में आएगा। टू प्रूफ, आप प्रूफ लिख रहे हो, टू प्रूफ लिखो ना फिर। नहीं फर्क है फिर, अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो वो हो ही नहीं जाएगा प्रूफ। हाँ बेटे इक्वल आने चाहिए ना इसके लिए। आपको मेरी हिंदी समझ नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटे? ले बेटे टू प्रूफ सही है। बड़ा मजा सा आता है बेटा तुमको बताऊं, हद नहीं है मतलब नलायको क्या गरिमा तू भी यार। यार नहीं एक बात बताओ, टू प्रूफ का मतलब जो स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, प्रूफ मतलब जो ऑलरेडी गिवन है, फर्क है ना, फिर कंफ्यूज तो हम होंगे। अच्छा चल ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी। सॉरी की क्या? लो भाई अब ये प्रूफ करना है, मैंने डाल दिया सेम सेम आएगा ये। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर रेस टू पावर एन, उसके बाद डी की वैल्यू ए आर क्यूब की पावर एन, बी की वैल्यू ए आर की पावर एन, सी की वैल्यू कितना आएगा बोलो? ए आर स्क्वायर रेस टू पावर एन। चलो खोल लिए वैल्यूज हैं, अभी ये बन जाएगा ए आर की पावर एन, ये बन जाएगा ए की है, कोई गड़बड़ नहीं कर दी मैंने? ए की पावर एन इनटू आर की पावर एन ये बनेगा ना, ए की पावर एन आर की पावर टू एन, ए की पावर एन ए की पावर एन आर की पावर एन, ए की पावर एन आर की पावर टू एन, ए की पावर एन आर की पावर थ्री एन, ए की पावर एन आर की पावर एन, ए की पावर एन आर की पावर टू एन। अक्षरा बताइयो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है? सर ए की पावर एन आर की पावर एन, वन प्लस क्या बचेगा यहाँ? आर की पावर एन। नीचे ए की पावर एन कॉमन लिया, वन प्लस में क्या आएगा? आर की पावर एन। ठीक है अक्षरा, ऊपर से कॉमन लिया मैंने ए की पावर साइड में से एन, आर की पावर टू एन, तो यहाँ बचेगा वन प्लस आर की पावर एन। नीचे से कॉमन लिया ए की पावर एन आर की पावर एन, क्या बचेगा? वन प्लस आर की पावर एन। ठाठा हो गए ये भी, ठाठा हो गए ये भी, ठाठा हो गए ये भी, ठाठा हो गए, क्या बचा? आर की पावर एन, ये आएगा आर की पावर बटे टू एन अपॉन में आर की पावर, आंसर इज आर की पावर एन। सेम आ गया अक्षरा ना, देखियो ये। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रूफ हो गया। इसका मतलब वो प्रूफ हो गया, टू हाँ टू प्रूफ नहीं हुआ, प्रूफ हो गया, प्रूफ अग्रिमा प्रूफ हो गया, देख प्रूफ। हाँ जी सर। चलो क्लियर है? एक मिनट रुक जाओ भाई। दो मिनट रुक गया बेटे मैं। सर ये थोड़ा जूम कर दो, जूम कर दो, जूम जूम ले, जूम 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 ले। सुकलीन दोबारा बोल, सुकलीन क्या कह रही है? सुग्रीन तू बेटे किसी और कमरे में बैठ कर, जहाँ नेटवर्क आए बेटे तेरे। अग्रिमा थोड़ा ऊपर कर दो। अग्रिमा कह रही है छुट्टी, अग्रिमा छुट्टी नहीं है बेटे कल। लो हाँ हाँ बिल्कुल सही बने, हाँ बेटे बिल्कुल। आज आपने इतनी बाद में मैसेज करा कि छुट्टी है, मैं भूल गया था बेटे, भुलक्कड़ हो गया, तब पहुंच गए थे फिर तो मन में आया नहीं बेटे, चार पांच सुनाऊं सर को बेटे मैं फोन करके।
नहीं मैं तो रास्ते में ही थी, और बिल्कुल 1 मिनट का पड़ा था, सो क्लीन में निकल गई, इसने बोला चली जा छुट्टी है। ऐसा है, छुट्टी कहाँ है तुम्हारी, क्लास चल तो रही है बेटे आज? अरे मतलब अब पहले पता नहीं था ना उस टाइम के हिसाब से छुट्टी। चलो आओ बेटे नेक्स्ट में। एक्चुअली बेटे लास्ट मोमेंट में ना वापिस चला गया, मैं सच्ची बताऊं तो। चले आगे, सर एक बार ऊपर कर दो। एक और ये बोलियोगी वैष्णवी, पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? ठीक चले बेटे आगे बोलो फटाफट से। जी चलो बेटे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द जीपी, अब ये तो निकाल लेना बेशर्मो, 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन, 19683 इज, निकाल दोगे या मैं ही निकालूं? है बेटे एक बार बोलना क्या लिखा है, क्वेश्चन हाँ बेटे, क्या है? विच टर्म ऑफ जीपी 1/3 1/3, 1/9, 1/27 इज 19683 बेटे। विच टर्म ऑफ द जीपी इज, इसमें जीपी की जो टर्म है बेटे कौन सी होगी, वाली जो लास्ट वाली है, मतलब ये तेरे पास ए एन है, मतलब तेरे पास आपको फाइंड करना है बेटे इसके अंदर एन, बता सकते हो क्या आंसर आएगा अगर ए एन आपके पास ये है बेटे? तो डू फास्ट, जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो वैष्णवी, जल्दी कर भाई। आप लोग कैमरे ऑन कर लिया करो बेटे, मैं भी ऑन करूंगा कल से। बोलो करोगे सब बच्चे कैमरे ऑन बेटे अपने, सर। आप अभी कर लो, मैं भी टाइम करूंगा। कल से कैमरे ऑन करना बेटे सब बच्चे ना, मस्त से। क्यों आराधना है, आराधना यस सर, कल से बेटे सर अभी कैमरे ऑन करा रहे करेंगे, हैं, अभी करा रहे हैं। यस सर, ठीक कल से कैमरे ऑन करेंगे सबके जमाना बेटे। है सर। चलो कल से सब बच्चे क्या, मैं भी अपना कैमरा ऑन करूंगा बेटे, अभी कर लो, वैसे कर सकते थे आप लोग, मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन करने के नहीं लायक। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, आज देखते हैं बेटे कौन है सबसे अच्छा बच्चा। मधुर सर हो गया। मधुर तो यस सर। क्या ड्रामे बोल रहे बेटे, सब मेरे को तेरी आवाज आ रही है बेटे। मेरी नलायक रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, कह रहा आज सर आप आज कैमरा क्यों नहीं बंद कर सकते? कह भाई हमारा कैमरामैन नहीं है यहाँ पर, तो कह रहा तो ना ही नहीं। वाह भाई वाह, आपने शाबाश, फिर रिकॉर्डिंग क्यों बंद करी खुशी अभी? खुशी तेरे को है बेटे ना आने की बेटे? मेरे को, मैं रोज हाँ नाचता हूँ सर, बहन तेरी गई है बाहर बेटे आज। गम फिर मैं इसलिए नहाऊंगा नहीं इस गम में। में और बेटे। चलो हो गया सबका आंसर, सर आपका कैमरा मैन हर टाइम आपके साथ होता है। पहुंच गई बेटे वो? हाँ सर पहुंच गया, फोन जब कर रहा था तब बस में बैठी थी। वाह जी वाह, चलो भाई बैठ गई है बस की, शुक्र है बेटे। चलो बस पंचर वंचर तो नहीं हुई? पता नहीं, इतनी मैंने सर डिटेल पूछी नहीं। पूछी नहीं। चल ठीक है भाई। हाँ भाई आंसर बिल्कुल सही आंसर रिकॉर्डिंग इन बेटे, प्रोग्रेस। 1/3 किसकी पावर होती है? आंसर 1/3 बेटे आ गया आपके पास। तो ए एन बेटे क्या हो गया, ए आर की पावर बेटे एन क्या माइनस एक बार वन, बताना, इनकी वैल्यू 9 है। तो ए एन हो गया नाइन आपका वन सम बाय 1/9683, ए आपके पास 1/3 है बेटे, तो रेशो क्या आएगा 1/9 अपॉन में 1/3, 339, 1/3 हो गया, 1/3 की बार एन माइनस वन, ये आ गया वन, 3 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा वन वन बाय सिक्स थ्री एन माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, ये 1/9683 राइट बेटे।
सो 1/3 रेज टू बार एन, ये आ गया 19683, हो गया भाई? नहीं ऐसे नहीं करते, पर यहीं तो कटक गया मैं। अब यहाँ बताओ कितना होगा ये 1/3 की पावर 9 होगा बेटे। यस, ये 1/3 की पावर 9 होगा बेटे आपके पास से। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे? 9 आ जाएगा। बोले भाई, क्लियर हो नॉट सबको? सर एक बात बोलूं वैसे? बोल बेटे, दो बार बोल। अच्छा, जो जैसे वो वाला स्टेप है जहाँ पे सेकंड स्टेप जहाँ पे आपने वो नहीं बेस से मैं तो पार ऐड कर दी, तो ताकि हमारे पास हमें कम पार निकालनी पड़े, तो हम उधर 3 को अगर LHS में लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6561 आ जाएगा, तो वो ज्यादा इजीली हो जाएगा। कौन सी पार आएगी? तो वो अपॉन में 1/3/8 आ जाएगी, तो हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 3 की पार माइनस। बात तो तूने जबरदस्त बोली है वैसे, जो मर्जी कह ले। मैं सोचता था कि रीमा का एक पार्ट खाली है, बात तो ठीक बटे। हाँ ठीक बात रही वैसे, एब्सोल्युटली राइट। अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होगी, देखिए ये 100% जानता हूँ मैं इसको बेटे, देख रुक ही नहीं रहूंगे इसके दांत अब। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बेटे आओ। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्या आपके पास? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी जीपी ऑफ एपी इज 15। सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी, नंबर्स देख सकते हो आप, ऑफ एन एपी इज 15 इफ वी एडेड 1 7 and 19 in numbers, then we obtain sequence in GP 1 4 है बेटे, 4 किसको बता बेटे? 4 आया यहाँ, 4 किसने बोला? सर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है एपी में। हाँ बेटे ऑफ कोर्स, 4 किसने बोला? 4 आपने बोला पहले, 4 दिया मेरे को, सुनाई नहीं दिया बेटे क्या बोला, कौन बोला मुझे भी नहीं पता। हाँ भाई कितना आएगा जरा बताना बेटे, मैं चेक कर लू एक बार कि ये नहीं है। मेरे को किसने भेजा हुआ है? सर ये 1819 है। हाँ 1 4 के बाद 8 है या ये कुछ और है? 1 ये 1 4 एंड 19 एंड है बेटे, ये एंड है। थोड़ा शर्म कर ले, इतनी साफ साफ रेडिंग लिखी हुई है, तब भी बेइज्जती करता था जब देखता है। एंड नहीं होता है, इतनी साफ साफ रेडिंग लिखी है फिर दबा के बेइज्जती करते हो हर समय, तुम्हें शर्म नहीं आती बेटे? सर ये एस है सर, एंड है ये, 8 है ये, एस होता है सर, एंड थोड़ा उल्टे एस का बन जाता है एंड। ये देखो एंड है ये, ठीक है? अब ज्यादा दिमाग ना खराब करो अपना, चुपचाप करो, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड पे ना जाओ तुम। अब तुम्हारे लिए मैं कर्सिव रेटिंग सीख रहा हूं बेटे। नंबर्स को बात क्या लिखा? एंड लिखना ही नहीं आ रहा मुझे, अब ठीक है? नहीं सर, सर ये एस है। फिर एंड कैसे लिखते हैं? उल्टा बनाओ एस को। यस सर। कैसे भाई? सर इसकी मिरर इमेज भी जो पूंछ, सर इसकी जो पूंछ निकली हुई है दूसरी साइड। हाँ पूंछ दूसरी साइड। सर ए एंड डी लिख दो, काम खत्म। एक मिनट रुक, नहीं भाई बना के रहेंगे अब तो मिरर इमेज, मतलब ये आएगा उल्टा 8, तो कुछ ऐसा बनेगा फिर तो ये ऐसे। हाँ सही बना रहे हो, सही बना रहे हो, बना दो ऐसे नीचे तक खींच दो। हाँ बहुत बढ़िया सर, ऐसे बनेगा ये? कितना सर्कल सिखाऊंगी ट्यूशन पे कैसे बनाते हैं। हाँ यही सिखाएगी, यही क्लास होगी। एक तो इतनी मुश्किल से बनाया मैंने,
तुम क्वेश्चन करते रहो, मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटे, इतना तुम क्वेश्चन करते रहो। हो गया है, जबरदस्त बना के रहूंगा बेटे मैं आज। इसमें निकालना क्या है बताना, एक बार डी की वैल्यू निकालनी है। नहीं चुपचाप क्वेश्चन कर दो बस। अरे क्वेश्चन बता तो दो, करना क्या है, पता नहीं कैसे बनेगा। अरे एंड बाद में बना देना क्वेश्चन, तो बताओ क्या करना है। बता तो दिया है, क्या निकालना है, डी निकालना है। फाइंड द थ्री नंबर्स। अच्छा आंसर आ गया, एक बार बता दो क्या क्या है तेरा, बताइए आंसर। एक सेकंड, पहले नंबर क्या मानोगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। डी तो डी की वैल्यू 7 आई है और एक डी की वैल्यू -9 आई है और ए 5 है। ए माइनस डी, ए प्लस डी, इन तीनों का सम किया मैंने, क्या आंसर आएगा, 15। तो ए की वैल्यू तो 5 आ गई, राइट बेटे, ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, 5। उसके बाद क्या करना है हमको, जो ये नंबर आएंगे मतलब 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी, इसमें ऐड करना है, कितना ऐड करना है सर, 1, 6 माइनस डी बन जाएगा, 6 माइनस डी, अगला 9, हां जी, और अगला 24 प्लस डी, अगला 24 प्लस डी, और इनका फिर जो रेशियो है वो सेम होगा तो आ ही जाएगा सबका। ये आ गया यहाँ तक, यस सर, 24 प्लस डी, 24 प्लस डी, अब 9, ये जीपी बनेगा ना, 21 में आएगा बेटा, अब जीपी में, अगर ये जीपी में तो 9 अपॉन में 6 माइनस डी इक्वल टू 24 प्लस डी अपॉन में 9, तो ये बनेगा 81 इज इक्वल टू 6 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस डी। मुश्किल बनेगा ये तो, नहीं हो जाएगा 140, जोड़ जाड़ करके डी इक्वल्स टू माइनस 21.3 आएगा, क्या आएगा, ये मेरे ख्याल से बनेगा डी स्क्वायर माइनस प्लस 18 डी माइनस 63 इक्वल टू, ये बन रहा है प्लस 63 सर, माइनस बन रहा मेरा तो भाई सर, माइनस ही आएगा सर, मेरा भी माइनस फैक्टर नहीं बन रहा, माइनस आएगा, माइनस 21 माइनस माइनस 21.3 आएगा सर, इसका सॉल्यूशन। सर एक बार क्वेश्चन बताना क्या लिखा है, हाँ जी हो गया सबका, अब तो सर एक बार क्वेश्चन में बता दो, आपने 19 के बाद क्या लिखा था, 19 के बाद क्या लिखा था, इन 19 ये रहा, इफ वी एडेड 1419 इन नंबर्स, नंबर्स में ऐड करूंगा बेटे, देन वी ऑब्टेन अ सीक्वेंस इन जीपी, गिवन सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस आपके पास आएगा वो जीपी में बन जाएगा बेटे, ठीक है। अब जैसे ये 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी है, इसमें मैंने ऐड किया बेटे क्या, 1 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, सॉरी 4 ऐड किया और 19 ऐड किया, उसके बाद बेटे बोल रहा हूं मैं, गलत है, ठीक सर, दो आंसर निकल रहे हैं, है बेटे दो आंसर निकल, दो ही आएंगे, कोई बात नहीं, दो आ रहे, दो की माइनस 21 और 3 आ रहे हैं, हां हां भाई थक गया बस मैं, सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार बताना, आपने ये मतलब बिना करे कैसे गेस किया डी स्क्वायर प्लस 18 डी माइनस 63, ये तो सिंपल सी बात है बेटे, तुम लोग भूल जाते हो ना बेटे, मैं थोड़ा याद रखता हूं बेटे, बस इतना सब फर्क है बेटे, अब 24 बेटे आपके पास डी था यहां पे ना, तो 24 और 6 का डिफरेंस कितना होता है बेटे, आपको पता होना चाहिए बेटे, 18, हाँ बेटे, ऐसे हो जाता है d स्क्वायर प्लस 18 d, ऐसे आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आता है बेटे, तो फिर 63 कैसे आया बेटे, वो आपके पास वहां 81 पड़ा था और 24 था, 6 जो भी होता है उसमें से 81 में घटा दिया बेटे। अच्छा मतलब बीच वाला नंबर, दोनों जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनका डिफरेंस होगा बेटे, क्वाड्रेटिक का होता है ना सम ऑफ रूट्स, रूट्स आपके पास आए तो होंगे बेटे इसके, प्रॉब्लम तो उसके साथ था, वो निकाल दिया हम लोगों ने फटाफट से, चले बेटा आगे, प्लस माइनस कैसे गेस किया, कौन सा प्लस माइनस बेटे, 24 डी माइनस का 6 का बेटे प्लस डी, तो 18 तो आएगा ऑटोमेटिक, और 24 इनटू 6 मारते बेटे माइनस कर 81 तो 63 आएगा, खत्म क्वेश्चन सर, नहीं 24 इनटू 6 144 आ गया, उसमें माइनस 81 करेंगे तो ऐसे तो प्लस 63 हो जाएगा,
हाँ तो बट आप समझे नहीं, डी नेगेटिव है ना बेटे, यहाँ पर माइनस डी है देख ध्यान से, तो माइनस डी स्क्वायर अगर प्लस में डी स्क्वायर लिखूंगा जितने प्लस वाले सारे माइनस में और माइनस वाले प्लस में बन जाएंगे, समझा बेटे? सिक्स माइनस डी है ना आपके पास, तो माइनस डी इंटू डी माइनस डी स्क्वायर होगा ना। चले बेटा आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अक्षरा नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी? यस सर। अब तूने सॉल्व ना किया तो फिर बैट लगा बेटा ऐसे, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अक्षरा, बता। हाँ, क्वेश्चन दो पहले। अरे क्वेश्चन दो, अगर ना किया तो पहले ये बता तू मुझे, आप बताओ फिर बेटे, मैं तेरे को फिर कल दो घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। हाँ भाई एक्स्ट्रा। यस सर। बोल भी क्या कहती है? दोगे इतना मुश्किल ताकि कोई कर ना पाए और आपको दो घंटे पढ़ाना ना पड़े एक्स्ट्रा। मैं कह रहा हूँ बेटे पढ़ाऊंगा मैं, तुमने नहीं किया तो। अगर नहीं करा तो पढ़ाओगे? हाँ हाँ, तो यही तो कह रही हूँ मैं भी। चलो फिर एक काम करते हैं, जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे बैठे हैं, अगर इनमें से कोई भी एक बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा ये वाला, ठीक है, तो फिर क्लास चलेगी कल एक घंटा ही बेटा, सॉल्व हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो दो घंटे, बोलो सही है? क्या मतलब है? ऐसा ना बोलना, सारे भाई गूगल वगैरह सबको बुला भाई, गूगल की हेल्प नहीं लोगे, देखो बोल अक्षरा मंजूर है सर, वो आपको कैसे पता लगेगा? यही तो तुम्हारे, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ बेटे। इतना विश्वास हो भी गया आपको अभी से ही? और अभी तो 11वीं शुरू हुई है वाली सर, मेरे पे क्यों ना बेटे, लक्ष्य बोल रहा है? नहीं, अरे कौन मधुर, तेरे पे तो डबल विश्वास है बेटे मेरे पे, तू तो बेटे अपने जन अपने परिवार का कौन सा बच्चा पहले ये बता तू। आप बताओ, मैथ्स के टीचर आप हो गिनो? मैं यार याद नहीं है मुझे यार, बता देना यार। मेरे को बड़ा पता है, स्क्वायर इज 21, चौथा होगा मेरे ख्याल से, तू चौथा नहीं है शायद, तो मेरे को तो तीन का ही पता है। तीन का कैसे? हाँ चौथा ही दुआ फिर तू। हाँ फिर मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ इसमें दो इक्वेशन बन जाएंगे ना। अरे वाह अक्षरा, उसके बाद अक्षरा फिर सॉल्व हो जाएगा, दो ही वेरिएबल हैं ए और आर। हाँ, और AR स्क्वायर होगी ना। पहले बताओ तुम लोग बैट में एंटर हो या नहीं हो, पहले ये बताओ। ऐसे नहीं डिपेंड करेगा हमारा आंसर निकल रहा है या नहीं, ये क्या मतलब है? यही मतलब है अक्षर, तू बता करी माँ तो बेटे, छोड़ बेकार लड़की है बेटे ये। अच्छा ठीक है अक्षरा, सर करने दो एक मिनट, अभी नहीं। अभी नहीं करो बेटे, करो आप लोग जबरदस्त करो। चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। हो गया, वेरी गुड। अरे दो बच्चों का हो भी गया बेटे, क्या बात है तारक, शानदार है बेटे, तू तो फटाफट से कर भी दिया तूने वहां बेटे। सर मैंने नहीं किया। तेरी बहन का मैसेज आया, तूने कर दिया बेटे, कह रही है वो। सर वो है ही नहीं इस कमरे में। कहाँ गई है बेटे? सर दूसरे कमरे में। उसको क्या भाई, एक दिन बात बात कर ले हमारे से भी। सर बोल देता हूँ, बड़े लोग हैं बेटे, वो तो देख लिया मैंने। सर इसमें मतलब एक एक का स्क्वायर करेंगे मतलब इंडिविजुअली, तब 21 आएगा ना? हाँ बेटे बिल्कुल सही बोला आपने वो। दो भाई आंसर दो, अश्मित अश्मित तो आंसर दे भाई। Yes, sir. आप लोग ऑनलाइन क्यों नहीं आते बेटे, ईमानदार से बताओ सबके सब बेटे, आप कारण बताओ पहले ऑनलाइन आने का। सर सुबह का टाइमिंग ज्यादा जरूरी और दोपहर को दूसरी ट्यूशन होती है। सर टाइमिंग चेंज करो तुम सब आ जाओगे मतलब? Yes, sir. ये बात है बेटे, ले फिर अभी देख तू बेटे, कल ही देख बेटे तू फिर। सर आपकी बात, तुम्हारे साथ वैष्णवी सेम चीज है
किसमें सर? टाइमिंग्स को लेके बेटे, ऑफलाइन की? हाँ बेटे, नहीं 3 से 4 तो फ्री है। फिर और बेटे और पूछ दो। अक्षरा तुम्हारे को बेटे सर टाइमिंग का ही है, सुबह 8 to 9 रख दो। भगवान देख, कहते हैं दोपहर में 2 से 3 ना कर दूं सर। वो कहाँ पे करोगे फिर? हुड्डा में नहीं, वहाँ पे ना मेरी सुबह ना 6 से 7 ट्यूशन होती है वहीं पे जहाँ आप पढ़ाते हो, 6 से 7 अनिल सर की। कैंसर बताती है? यस सर। तूने बेटे मुझे बताया तो कभी है नहीं, 6-7 मेरी तो आती नहीं बेटे। फिर सर वो होती है ना फिजिक्स की होती है। अच्छा फिजिक्स ज्यादा बढ़िया है बेटे? सर वो पहले स्टार्ट हुई थी 6 से 7। अच्छा ऐसा है क्या बेटे? सर ने भी मेरा टाइम चुरा लिया। सर को 7 से 8 करवा दे सर। 7 से 8 केमिस्ट्री की है। हे भगवान, चलो ठीक है बेटे। फिर तो सर आप 8 से 9 कर लो। नहीं नहीं टाइमिंग सारे देते हैं बेटे। सर आप सुबह 9 बजे नहीं रख सकते हुड्डा में? नहीं बेटे नहीं, मैं दोपहर में कर सकता हूँ बेटे, 2 बजे 1 बजे के आसपास। सर 1 बजे कर दो फिर हुड्डा में। ठीक है विल ट्राई। ये तो मॉडल टाउन है आपकी। देख अगरी मैं बोली पहले बता, ये आंसर हो गया सबका, पहले ये बताओ बेटे। यार तो लगा तो बड़ा आसान है, कॉमन होके भी नहीं हो रहा है तो है। ये तो ऐसे लगा था आसान सा है बहुत। तुझे क्या लगा मैं शर्तें ऐसे लगा लेता हूँ बेटे? नहीं मतलब कॉमन ले रहे हैं तो एक 1+r² एक्स्ट्रा आ रहा है, एक r की डिग्री 4 पता नहीं क्या होगा। नहीं हो रहा सर। तो करवा दो, स्टार्ट करवा दो। आप लोग को 5 to 6 में प्रॉब्लम है कोई? 5 to 6 में बेटे, इवनिंग 5 to 6। यस सर। तो वैसे जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब लाइक मैं टाइम चेंज करो वैसे पूछ रहा हूँ आपसे बस। तो आप क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए कुछ ना कुछ डिस्कशन करना है बेटे। नहीं कर रहे हैं, आप करवाओ। अक्षरा हो गया सर? एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आराधना हो गया? निकिता हो गया बेटे? नो सर। लो बेटे मैं ही करता हूँ बेटे फिर तो। लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एक मिनट, अब नहीं होता, अब देख यहाँ से। जीपी के 3 नंबर्स कोई भी ले सकते हो बेटे, ए प्लस फर्स्ट ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। सम कितना आपके पास? 7 है बेटे, राइट। अच्छा इनके स्क्वायर का सम कितना है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4। कितना आंसर आएगा जरा बताना, बोला कितना आएगा? 21। हाँ जी 21 बेटे, राइट। ये आपके पास आ गया, यहाँ से मैंने a कॉमन लिया 1+r+r² = 7। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया 1+r² r^4 = कितना बेटे? 21। सही है, सही है ना बेटे, बोलो। यस। चलो अब सवाल क्या उठता है बेटे आपके पास, ये a टाइम्स हो गया 1+r+r² इक्वल टू 7, ए स्क्वायर हो गया 1+r² + r^4 = 21 बेटे, राइट। ये हमारे पास हो गया बेटे कहानी में। सिंपल सा पॉइंट आता हूँ, जब भी बेटे आप सॉल्व करते हैं एपी की 2 इक्वेशंस को तो हमेशा आप सब्ट्रैक्शन ऐड करते हैं, क्यों? कि डिफरेंस एडिंग का काम होता है बेटे, लेकिन जीपी रेशियो काम होता है, तो इसलिए इन 2 इक्वेशन को हम लोग बेटे -1 से करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। ये सेकंड वाली है बेटे आपके पास? मेरे पास 1+r+r² की वैल्यू है। मेरे पास तो नहीं है ना। सेकंड किसकी वैल्यू तेरे पास बेटे? सेकंड और ये 1 है तो मैं सेकंड बाय 1 कर रहा हूँ बेटे इसके अंदर, तो मैं किसकी वैल्यू गरिमा? मैंने ना पता कैसे करा है, जो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना a+ar+ar² = 7, इसको मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ना तो मेरे पास 1+r² + r की वैल्यू आई है 14/a²r, तो उससे मेरे को लगता है हो जाएगा। अगर आप a * 14/a²r डालोगे = 7 तो से कैंसिल हो जाएगा ना। तो ट्राई कर, मैं अपना ट्राई करूंगा। एक
तो अपना ट्राई कर, मैं अपना ट्राई करूंगा, यही है ना भाई? देखो ध्यान से अब बोलो, ये क्लियर है ना? क्लियर यहाँ तक वाला पार्ट? मेरे पास AR की वैल्यू 2 आ गई है। अब पहले बताओ ये ठीक किया मैंने? अब मैं जो करने जा रहा हूँ ना बहुत शानदार, देखना बड़े ध्यान से। 7 3 21, राइट और रॉन्ग? सही किया डिवाइड, ए से ए स्क्वायर गया, यहाँ ए बचा, मैं इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ बेटे, से कर दो डिवाइड, कितना आएगा ये? आर स्क्वायर है, यह कट के बेटे आर 2 बचेगा यहाँ पर, यानी आर स्क्वायर, यहाँ आर है, आर स्क्वायर है माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बेटे, ये आएगा बेटे, ठीक है? पहले ये सबको समझ आ गया मैंने कैसे कर दिया इसको डिवाइड बेटे? ये सर काटा कैसे आपने? सर एक बार दोबारा बताना। अच्छा देखो, कईयों को टेंशन हो गया होगा बेटे, है ना? मैंने क्या किया पहले ये बताओ, मैंने क्या किया पहले ये बताओ सर? डिवाइड और क्या? डिवाइड सर, बाकी तो समझ आ गया, ये माइनस का सिंबल कैसे है वो नहीं पता चला। अच्छा तो पहले ये समझाएगी, आर स्क्वायर और आर वन कहाँ से आ गया ये बताइयो, ये कहाँ से आर स्क्वायर और वन कहाँ से आया? ऐसे कैंसिल हो सकते हैं जैसे सोच रही है, बता बड़े पहले सर हो तो नहीं सकते, पर आपने जैसे किया उस हिसाब से नहीं बेटा, सुनना होता घर घर सुनना बेटे, ये मैं दिखाता हूँ बेटे आपको, मैंने ऐसे किया बेटे इसको, जैसे डिवाइड करते हैं बेटे वैसे ही किया है। अगर आप 21 को बेटे 7 से डिवाइड करोगे तो 21 से कैंसिल, जो बचा वही आपका आंसर है। आप ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे तो यहाँ ए स्क्वायर लिखोगे बेटे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास ए बच जाएगा, राइट बेटे? सेम मैंने भी ऐसे किया बेटे, देखो कैसे आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 को बेटे यहाँ डिवाइड किया आर स्क्वायर प्लस आर 1 से। तो बताओ बेटे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आर की पावर 4 बन जाए? आर से मल्टीप्लाई कर दूं? यस सर। कितना आएगा बताओ यहाँ पर? आर की पावर 4 उसके बाद कितना आएगा सर? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ना, आर स्क्वायर तो आर क्यूब बचेगा, प्लस में क्या बचेगा बेटे? आर स्क्वायर यही बचेगा ना शायद, प्लस आर स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस यहाँ माइनस कैंसिल कैंसिल, ये बचेगा माइनस आर क्यू ऊपर का प्लस 1। बोलो गलतियां ठीक, बोलो गलतियां ठीक। यस सर। अब क्या करूं जल्दी से बताओ फटाफट से, अब क्या करूंगा, अब क्या करूं फटाफट से बोलो? माइनस आर से करो। हाँ माइनस आर से करेंगे, माइनस आर से, तो ये कितना आएगा? माइनस आर क्यूब, फिर माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ बेटे आपका कितना आएगा यहाँ आर, सही है? माइनस आर क्यूब प्लस 1 बेटे, फिर माइनस आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपके पास। अब देखते हैं बेटे क्या बचेगा यहाँ, यूज द सिंबल प्लस 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 कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बेटे ये आपका बन गया। गलतियां ठीक बोलो। अब ये किस पे जाएगा बेटे? शायद ये प्लस 1 पे चला जाएगा, तो कितना आएगा बोलो? ये आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 कैंसिल हो गया, बात खत्म। हाँ जी अब बताओ क्या आंसर लिखो, आप लोग बताओ, बोलो जी क्या आंसर लिखो बेटे से? अब क्या बनेगा ये आंसर में? ये बनेगा आपके पास ए टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सुक्रीन अब समझ आया बेटे? एक बार मुझे ऊपर से सारा दिखा दो, मैंने देखा नहीं। मैं देखा क्या तूने बेटे? लाइक मैंने सेकंड बाय 1 किया। यस सर आ गया, आ गया बेटे सबको समझ ना? तो अब एक बार बताओ ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू 3 बाय आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, क्या ये ठीक है बेटे? ए की वैल्यू क्या आई बताओ फटाफट, 3 बाय आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, इज इट ओके और नॉट? अब मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन में एक चीज है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए टाइम्स ऑफ था 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 7 बेटे, ये मेरे पास आ गया आपके लिए। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या है बेटे? ए की वैल्यू कितनी है निकालो यहाँ से, 3 बाय आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, 1 प्लस आर प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 ऑफ आर स्क्वायर माइनस 7 आर प्लस 7, 3 प्लस 3 आर प्लस में 3 आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 4 इक्वल टू 0। लो बेटे आपकी इक्वेशन रेडी होगी, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। सर आपने इतना ऐसा मेथड लगाया, हम सब्स्टिट्यूशन ना कर देते? हाँ बेटे
ए की सब्स्टिट्यूशन ना कर देते यार। भाई कर दे मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर दे भाई कर दे। हाँ बेटे बोलो। मेरे में क्लियर स्क्रीन नहीं आ रही, एक बार ये वाला जो सॉल्यूशन है इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दो। हे भगवान, स्क्रीनशॉट लो बेटे मैं इसका। हाँ मैंने आपने बोला था अपना कर, मैं उसी में लगा दिया, दिमाग कुछ निकला है नहीं तो आप कर दो। लो बेटे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तू रात जी रहे। व्हाट्सएप कर देना मेरे को, देख स्क्रीनशॉट चल रहा है बेटे सामने। नहीं क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन। वेली ड्रामे जितने मर्जी करा लो तेरे से गरिमा है, एक नंबर की ड्रामे में आ जा बेटे तू। Recording stopped. वैसे छुट्टी होगी ना? किसने कहा छुट्टी होगी? बस यार बेटे सर, मतलब बस सर। हाँ शाबाश गरिमा, देख तेरे पास आ गया स्क्रीनशॉट। देख रहा है इंस्टेंट सर्विस है बेटे, इंस्टेंट सर्विस यहाँ की। कुछ नहीं बेटे, मैं ये आलसी हूँ बेटे। थैंक यू सो मच सर। पहुँच गया? यस सर, वेरी इंस्टेंट। कल फिर एक काम कर, पेटीएम पे जा बेटे अपने, वहाँ सिल्क की चॉकलेट बेटे वो भी ट्रांसफर कर दे इंस्टेंट। चला हूँ पेटीएम पे, सिल्क की चॉकलेट छोड़ना ट्रांसफर होती, पैसा होता है वो, कोई बात नहीं 170 रुपए ट्रांसफर कर दे बेटे बस। अच्छा मांग भी 170 वाली रहे हो आप, वो छोटी से क्या होता है, आज तक खुद दिलाई नहीं आपने। 10 वाली मंच मांगोगे तो मिल भी जाएगी। सही बात है, एक्सपेक्टेशंस तो थोड़ी नीचे रखो अब। मतलब तुम अपने आप को मन जितने समझते हो बस। नहीं नहीं आप आपने सुप्रीम थी आज तक वो तो लाए होगी, हमसे एक्सपेक्ट। तुम अपने आप को मन तक सीमित रखते हो, ये बता दो बस जरा। सर खुद को नहीं आपको, कैसी बातें कर रहे सर बच्चे, तुम खुद को रखते हो बेटे मन तक। हाय हाय वो ले तो बेटे डेयरी मिल्क, वो आती है बेटे मिल्की बार वाली बेटे, मिल्की बार चू। आपको एक बात पता है, आप 5 रुपए पे आ रहे हो, मैं 10 पे था। नहीं नहीं आपको पता है सबसे टेस्टी मिल्की बार होती है, वैसे सबसे टेस्टी मुझे 5 वाली होती है बार वाली। सही बात, तो वही खा बेटे, मैं तो मिल्की बार दे दूं तो बेटे दे दियो। आप धीरे धीरे आप कच्चा आम टोफी पे आ जाओगे 25 पैसे वाली। मैं 1 रुपए की 8 भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? चलो आओ बेटे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, कल करवा देना, कल है तो सही। कोई बात नहीं बेटे, एक आधा क्वेश्चन और, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम मत करवाओ सर प्लीज। अच्छा सर मेरी क्लास है ना, मैं तेरी कौन सी क्लास है इस समय? हाँ सर मेरी भी है। यस सर मेरी भी है। हाँ सभी की है बेटे, अभी तो सभी की हो जानी है, पता था मुझे तो मेरी क्लास अभी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास है तो कोई इशू नहीं। कोई डाउट है किसी को पूछ लो, पहले रुक के जाओ बेटे। तुम लोग कौन कौन से बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं बताओ बेटे, मैं उनको टाइम दूंगा, कमाल की बात है। अच्छा सर मैं आ जाऊंगी, बताओ बेटे तुम टाइम लिखो बेटे, कमाल की बात है यार, ऐसे कैसे बच्चों को मैं ऑफलाइन नहीं दूंगा टाइमिंग। कौन कौन से बच्चे आते हैं ऑफलाइन आने के लिए बताओ, टाइमिंग मैं सेट करता हूँ बेटा, इसी का दिक्कत है। अक्षरा सर मैं वहाँ आ जाऊंगी, मॉडल टाउन आ जाऊंगी 1 से 2। अरे वाह क्या बात है अक्षरा, हैप्पी अक्षरा, मैं बहुत खुश हुआ बेटे। और बताओ कौन सा बच्चा आना चाहता है बेटे ऑफलाइन, टाइमिंग तुमको 2 से 3 दे दूं, बोलो फटाफट से। हम मॉडल टाउन 1 से 2 ही करोगे ना चेंज में? हां हां चेंज नहीं करा, 2 से 3 दे दो, 2 से 3 बोलो। Yes, sir. आप हुड्डा वालों को 2 से 3 दोगे, हुड्डा वालों की तो निपुण सर की होती है 2 से 3। अरे छोड़ ना तू बेटे, 3 से 4 भी तो होती है हमारी, क्या बात करे, 5 से 6 भी होती है हमारी, बैच ही बैच है हमारे पास, टाइम ही टाइम है हमारे पास। मतलब हुड्डा में आप 3 घंटे पढ़ाते हो सेम बच्चे? सुबह भी होता 6-7 बेटे, 4 घंटे सुबह भी होता 6-7 बेटे। मॉडल टाउन से आपको प्यार नहीं है बस, मॉडल टाउन बच्चों से बेटे। अगर माँ कुछ नहीं बोलेगी बता मुझे। हाँ भाई आ जाओगे 2 से 3 बेटा, आप सब अश्मित पलकिन वैष्णवी मधुर तिशा सब आ जाओगे 2 से 3 में। यस सर। यस सर। चलो भाई अभी लो धमाका लो बेटा, तुमने 2 से 3 पक्का कर दूंगा। देख मैं सर मेरे को तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। क्यों तिशा? सर उस टाइम वो होती है ना कोचिंग क्लासेस होती है और फिर टाइम भी बहुत लग जाता है आने जाने में, मेरा घर दूर है। गलत बात है, 6-7 मेरी तो आती नहीं बेटे, दुकान के आती है बेटे। मैं तो ऑनलाइन क्लास नहीं लेते ना, आप भी लेते हो पार्शियलिटी करें, मैं भी कल से ऑनलाइन लेता। अब बोल सर ऐसे मत करो। अब बोल बेटे, देखो मैंने तुमको वैसे एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सवाल है और एक्स्ट्रा एक बात बताओ, मैंने आपको बेटे मैंने आपको ऑनलाइन की सर्विस प्रोवाइड किया, आप लोग तो बेटे मुझे ही मतलब वो कर रहे हो बेटे, मतलब बाकी सब जो ऑफलाइन जाते हो मेरे पास ऑनलाइन आते हो बेटे, फिर ये मेरा कसूर है या मेरा बेटे? अच्छी चीज है मेरी ये सर, कल से आ जाऊंगी ऑफलाइन। क्या बात है, दिल खुश कर दिया बेटे तूने। ऑनलाइन वाले बच्चों से तो प्यार ही नहीं करते हम, तो तैयार होते हैं, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता।
अरे वाह वाह, अगली मैं सुना दी तुम्हें। हाँ भाई तिशा अब बता बेटे तू। सर पर सर शायद ही आ पाऊंगी, पक्का नहीं पता। कह रहे हैं सर, अरे वैष्णवी वही एकेडमी है बेटे, मेरी मेरी वही है बेटे, वही है। ओके सर। पास नहीं है बेटे, जिसमें आते है उसी में आना तेरे को बेटे, देख। चलो बाय, हैव ए नाइस डे बेटे। हाँ बेटे बोलो। वो लॉग करा दो। लॉग कराना अक्षत, तेरे को लॉग करना है? यस सर। तूने पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो अप्लाइड में कराया था। सर मैंने बोला हुआ है आपको बहुत बार। मैं भूल आता हूँ बेटे, भुलक कर रुक जा बेटे। तुम मेरे को भी करना है लॉग। किस किस को लॉग करना है बेटे? सर मुझे पीयूष कंसल को भी लॉग करना, और किसको लॉग करना है? नॉनवेज वालों के लिए क्या लॉग? नहीं बेटे, जिसका दिल करे बेटे करो, क्या दिक्कत है? क्यों करे लॉग? चीज बढ़िया, सबको करनी चाहिए। लॉग होता क्या है सर? ये कौन बोला? लॉगरिथम। ओए ऋषि तो ऋषि नालायक। ठीक है, एक काम करूंगा, किसी दिन बेटे इसी क्लास के बाद लगा दूंगा क्लास में, कल परसों में। ठीक है लोग की, ठीक है, ओके अक्षरा। यस सर। ठीक है चल, बाय बाय बेटे, बाय 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 सर, बाय बेटे।